बहुत कैलकुलेटिव सा दिखने वाला है सवाल, अगर मैं आपको विदाउट पेन सिखा दूं तो। ध्यान से सीखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा। अगर टेन थीटा ही आपसे पूछा है, अगर इस सवाल में केवल टेन थीटा ही पूछा है, तो आप चाहें तो आसानी से साइन थीटा के बगल वाले के वैल्यू को ऊपर रख लीजिए और कॉस थीटा के बगल वाले वैल्यू को नीचे रख लीजिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो आसानी से आप उत्तर मार सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कोई भी। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर आपसे साइन पूछता, कॉस पूछता, तो इस स्थिति में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लास्ट वाला वैल्यू है इक्वल टू के बाद वाला वैल्यू, इसी से इसको भाग दे देना रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इससे क्या होगा, ये कट के वन हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप इसको भी भाग दे दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसे भी दे दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सभी को भाग दे दीजिए। और तब अगर आपसे साइन पूछे तो साइन के बगल वाला वैल्यू साइन, और तब आप साइन का आंसर भी दे सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस का पूछे तो टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन का पूछे तो साइन बाई कॉस होता है, तो उस तरह डिटेल नहीं कर रही होता है क्योंकि नीचे वाला वैल्यू तो दोनों में कट जाएगा, इसलिए हमने आपको टेन के केस में बता दिया कि साइन के बगल वाला और कॉस के बगल वाला केवल लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा।